सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुशमांडा एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि अभी 12 जून में होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। से पहले भी हमारे कई वीडियोज इस पर आ चुके हैं, वो आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सवाल हमारे कुछ। और तो इस बार जो है कुछ डैम के ऊपर मैंने सवाल रखे हैं, हालांकि ये टॉपिक भी हमारा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ देखा होगा ना आपने। जब भी हम बांध की बनाने की बात करते हैं, डैम्स की बात होती है, तो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल न्यूज़पेपर्स में हमें नजर आते हैं, लेकिन वो सब अलग हैं। तो अभी हमने एग्जाम में हमारे क्या पूछा जा सकता है, कुछ बांध है, डैम है, और वो कौन से स्टेट में है, स्टेट पे सवाल पूछा जा सकता है। जो इस एग्जाम का लेवल है, मैं उसी लेवल तक ही अपने क्वेश्चंस डिस्कस आजकल आपसे मैं कर रहा हूँ। तो एक रिवर्स के ऊपर सवाल आ सकता है कि वो डैम किस रिवर पर बना हुआ है। तो पहला हम यहाँ पर बात करते हैं उरी की। उरी का नाम आपने सुना होगा, हाँ बिल्कुल आपको याद आ गया होगा अभी। तो उरी जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है उरी इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। और इसका रिवर पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर पर है, क्योंकि पिछले दिनों न्यूज़पेपर में रहा है। तो झेलम, झेलम रिवर, दो सवाल बनेंगे आपके। तो अगला है आपका सोमाशिला डैम। सोमाशिला डैम की लोकेशन है आपकी किस स्टेट में, बताओ। आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। तो सोमाशिला डैम है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और रिवर का नाम पूछा जा सकता है आपका कि किस रिवर पर बनाया गया है, पेन्नार, पेन्नार रिवर। उसके बाद चमेरा डैम, चमेरा डैम पहले भी आपने पढ़ा होगा, इसकी लोकेशन किस स्टेट के अंदर है, बताओ। चार ऑप्शन आएंगे आपके सामने लिखे हुए वहां पर। तो यह है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश। और रिवर पूछा जा सकता है कि ये चमेरा डैम है वो किस रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो रिवर है इसकी रावी, रावी रिवर है। और एक आपका है निजाम सागर डैम। तो निजाम सागर डैम की लोकेशन किस स्टेट में है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना के अंदर है। और रिवर है आपकी मंजीरा, मंजीरा रिवर। और श्री सैलम डैम, श्री सैलम डैम, तो मेज द फॉलोइंग सवाल भी आ सकता है कि चार स्टेट एक तरफ दे दिए जाएंगे और सामने उनके डैम्स लिखे होंगे कि इन्हें आप मिलान कीजिए, या रिवर दिए होंगे डैम्स के सामने, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो बाकी एनवायरनमेंट इंजीनियर वाले एग्जाम के लिए हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो kushmanda.com पर, और या फिर आप हमें कॉल कीजिए, ठीक है, हम आपको सब बता देंगे। चलिए सिंगुरु डैम की बात करते हैं। सिंगुरु डैम आपका ये भी तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है। और इसकी जो लोकेशन है वो आपकी मंजीरा रिवर पर है, मंजीरा रिवर। उकाई डैम, उकाई डैम आपका है, बताइए कहाँ पर है, हाँ बिल्कुल गुजरात के अंदर है। उकाई डैम आपका गुजरात में है और ये आपका ताप्ती रिवर के ऊपर है, ताप्ती रिवर। उसके बाद है आपका धारावी डैम। तो धारावी डैम भी आपका गुजरात में है और रिवर का नाम है इसका साबरमती रिवर पर, आ सकता है, ठीक है, साबरमती रिवर है। उसके बाद है आपका काडना डैम, काडना डैम ये भी गुजरात में है आपकी, और इसकी लोकेशन है आपकी माही, माही रिवर। और अगला है आपका दंतीवाड़ा डैम, दंतीवाड़ा डैम। तो इसकी इसका स्टेट देख लेते हैं, स्टेट आपका इसका भी गुजरात ही है। और इसके अलावा इसकी लोकेशन है आपकी बनास रिवर पर, ठीक, अच्छे से लर्न कर लीजिए। टाइम्स जो है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है और उस पर जो है ना सवाल पूछ लिए जाते हैं, पर्यावरण संबंधी सवाल खड़े हो जाते हैं। अगला आपका है पंडो डैम, ये अब भी आपका हिमाचल प्रदेश में है,
डैम हिमाचल प्रदेश और ब्यास रिवर पर हमारी वीडियोस जो इस एग्ज़ाम के लिए बननी शुरू हो चुकी हैं, और पिछले भी हम कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर देखें। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, भाखड़ा नागल डैम आसान है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर है आपका, और सतलज रिवर है आपकी, बिल्कुल सही बात है, आपको आता है। और नाथपा झाकरी, सुना होगा आपने नाथपा झाकरी, हिमाचल प्रदेश, और रिवर है आपका नाथपा झाकरी के लिए इंडस रिवर है। और इसके बाद जो है आपका बगलीहार डैम नेक्स्ट, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है आपका बगलीहार, और रिवर पूछी जा सकती है, रिवर है आपकी चेनाब, ठीक है, चेनाब रिवर। धुमकर, धुमकर, धुमकर डैम पिछले न्यूज़ में भी था ये जम्मू कश्मीर में, और धुमकर की जो है आपकी इंडस रिवर, अखबारों में भी था पीछे किसी वजह से। और मैथोन डैम, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आ भी चुका है मैथोन डैम पर, आईएएस में भी आ चुका है, तो ये था आपका बराकर रिवर पर है झारखंड में, ठीक है, झारखंड, और रिवर का नाम है बराकर। उसके बाद है आपका चंडील डैम, तो चंडील डैम भी आपका झारखंड के अंदर है, और इसके अलावा जो है इसकी रिवर है आपकी स्वर्ण रेखा, पंचेत डैम, पंचेत डैम आपका ये भी झारखंड में है, और रिवर है इसकी दामोदर, और उसके बाद आपका तुंग भद्रा डैम, तुंग भद्रा डैम कर्नाटक में, और रिवर का नाम भी आपका तुंग भद्रा ही है। तुंग भद्रा ही। उसके बाद आपका लिंगन मक्की डैम, लिंगन मक्की डैम ये कर्नाटक में है, और शरावती रिवर, और उसके बाद आपका काडरा डैम ये कर्नाटक में है, कालिंदी रिवर, अभी आप ये लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद है आपका अलमाटी डैम, ये भी कर्नाटक में है, और कृष्णा रिवर पर है आप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो अभी डैम के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका सुपा डैम, सुपा डैम कहाँ पर है, तो बांधों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एनवायरमेंट का टॉपिक होता है, जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो काफी जो है ना शोर शराबा होता है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, तो इसलिए हमने टॉपिक रखा है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपका है कालिंदी रिवर के ऊपर, ठीक है, कालिंदी रिवर, तो रिवर पूछ सकते हैं कालिंदी रिवर, या इसको बोलते हैं काली रिवर, काली रिवर भी बोला जाता है, और लोकेशन है इसकी कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में। और कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम ये आपका कावेरी पर है, कृष्णा सागर राजा डैम कावेरी पर है, लोकेशन आपकी कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका हेरांगी डैम, हेरांगी डैम ये आपका है, इसकी रिवर का नाम भी आपका हेरांगी ही है, और लोकेशन है आपकी ये भी कर्नाटक में। और उसके बाद है आपका नारायणपुर डैम, नारायणपुर डैम ये भी आपकी कर्नाटक में है, और रिवर का नाम है कृष्णा, कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर है आपकी। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट कोडासल्ली डैम, कोडासल्ली डैम ये भी कर्नाटक में है, और काली रिवर पर है, काली रिवर कर्नाटक। और मालमपुझा डैम, ये तो आसान है, आपको पता ही होगा, केरल में नाम से पता चल रहा है, और रिवर भी इसका नाम मालपुझा ही है, ठीक है, रिवर भी जो आपकी है वो मालपुझा।
और पीची डैम, ठीक है, पीची डैम, तो पीची डैम आपका ये भी केरला में है, और मनाली रिवर पर। हाँ नेक्स्ट है आपका इदुक्की डैम, इदुक्की डैम ये भी आपके केरला में है, और रिवर है आपकी पेरियार। कुंडाला डैम, कुंडाला डैम केरल में है। स्टेट पूछेंगे आपसे कौन से स्टेट में है, रिवर पूछ लेंगे कौन से रिवर पर है, तो ये आपकी कुंडाला के नाम से लेक है उसी के ऊपर है। उसके बाद आपका पेराम्बिकुलम डैम, तो पेराम्बिकुलम डैम इसकी लोकेशन भी केरल में है, और रिवर का नाम भी आपका पेराम्बिकुलम ही है। वलियार डैम केरल में, और रिवर भी आपकी वलियार ही है। मुल्ला पेरियार डैम, ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है, मुल्ला पेरियार डैम सुना होगा आपने, ठीक है। मुल्ला पेरियार आपका केरल के अंदर है, और जो है आपकी रिवर है इसकी पेरियार, नाम से पता चल रहा है। और उसके बाद आपका नैयर डैम, केरल में लोकेशन है इसकी नैयर डैम की, नैयर रिवर का नाम भी है। राजघाट डैम, राजघाट डैम बेतवा पर है, और यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, यूपी एमपी बॉर्डर पर है आपकी। बरना डैम, बरना डैम आपका ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, और रिवर का नाम आपका बरना ही है। उसके बाद है आपका बारगी डैम, ये भी एमपी में है आपका, बारगी एमपी, और रिवर आपकी नर्मदा। नेक्स्ट है आपकी बाण सागर डैम, बाण सागर डैम ये भी आपका, इसकी लोकेशन भी एमपी में है। पूछ लेंगे किस स्टेट में है आपका बाण सागर डैम, या पूछ लेंगे किस रिवर पर है, सोन रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिए अच्छे से। गांधी सागर डैम, तो गांधी सागर डैम आपका एमपी, और रिवर है इसमें चंबल। येल डारी डैम महाराष्ट्र में, ठीक है, और रिवर है आपकी पूर्णा, पूर्णा रिवर है। उज्जैनी डैम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका उज्जैनी डैम, और भीमा रिवर है। पावना डैम महाराष्ट्र में, और रिवर है इसकी पावना की मावल रिवर, मावल रिवर। और मुल्शी डैम, मुल्शी डैम भी आपकी महाराष्ट्र में है, और इसकी लोकेशन है आपकी मुला, मुला रिवर। कोयना डैम, कोयना महाराष्ट्र में, कोयना रिवर पर। जायकवाड़ी डैम ये भी महाराष्ट्र में, गोदावरी रिवर पर। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र। और इसके बाद है आपका भातसा डैम, तो ये भी आपकी महाराष्ट्र में है, भातसा रिवर पर। उसके महाराष्ट्र। बाद आपका है विल्सन डैम, तो विल्सन डैम भी आपका महाराष्ट्र में है, परवरा रिवर पर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बांध थे जिसकी हमने बात की है।